स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी। मैं बार बार एक ही बात सबको बोलती रही पर इन लोगों के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। गया कहाँ शिवाय? छोटी माँ, ये सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है उसे कहीं जाना था। कहीं जाना था? और तुमने पूछा भी नहीं उसे कहाँ जाना था, तुमने जाने दिया। भूल गए कि तुम्हारा भाई इंजर्ड है और उसे बिस्तर से हिलना तक नहीं चाहिए। तुम तो बड़ी फिक्र जताते हो ना अपने शिवाय के लिए। अब कहाँ गई तुम्हारी परवाह? हाँ, ऐसे ध्यान रखते अपने भाई का, इस हालत में जाने दिया तुमने उसको? छोटी माँ, उसे कुछ जरूरी काम। हाँ तो बताओ कौन सा जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो सिर्फ शिवाय ही कर सकता था? गया कहाँ है वो? मुझे तो लगता है वो गया नहीं है, तुम लोगों ने खुद उसे भेजा है। क्योंकि तुम लोग ना मेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हो। पिंकी, क्या बकवास कर रही है तू? जितनी तेरी जुबान चलती है उतना दिमाग भी चला कर। कैसे चलेगा दिमाग मम्मी जी? मेरे बेटे के साथ इस घर में क्या क्या होता है क्या आप नहीं जानती? ये लोग, सारे लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे बेटे की तरक्की नहीं देखी जाती इन लोगों से। शक्ति, तुम्हारी बीवी का ड्रामा तो चलता रहेगा, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। पर मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा जेठ जी का है। क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते तब अपने बेटे को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया है। अफसोस, तुम्हारी जबान जितनी लंबी है तुम्हारी सोच उतनी ही छोटी है। प्लीज शट अप। लेकिन आज मैं शट अप होने नहीं वाली हूँ जेठ जी। मेरा बेटा इस घर में एक एक आदमी के लिए सोचता है, लेकिन जब उस पर मुसीबत आती है तो आप सब प्लान्स बनाने लगते हैं कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। कुछ भी सोचती हो, कुछ भी बोलती हो, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गई ना, दिमाग तो खराब हो गई। जब मेरे बेटे की जिंदगी में सब लोग इस तरह दखल देंगे। साफ साफ मना किया था इन लोगों को कि बीच में मत बोलना, कहा था कि नहीं, पर ये लोग बाज ही नहीं आते। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि शिवाय की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ है तो बता क्यों नहीं देते हो? शिवाय वहां गया है जहां पे उसकी खुशी है, और इस घर में हम सब जानते हैं कि शिवाय की खुशी अनिका के साथ ही है। अनिका, 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 मैं बार बार उस लड़की को अपने बेटे से अलग करती हूँ और तुम लोग उस लड़की को वापस ले आते हो। मेरा शिवाय बहुत भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम लोग जो कर रहे हो ना मुझे सब समझ आता है। आने दो मेरे शिवाय को, मैं खुद तुम सब की असलियत उसको बताऊंगी। आने दो उसको। क्या बताना है मां? शिवाय, शिवाय तू आ गया। मैं शिवाय, अनिका यहाँ क्यों है? अनिका यहीं रहती है और यहीं रहेगी। शिवाय, तू इस लड़की को यहाँ क्यों लाया है? मैंने आपको अभी बताया मॉम, ये घर अनिका का भी है और वो यहीं रहेगी। आप लोगों को इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके? चलो अनिका।
ये चिंता है ना मेरे शिवाय की, फिर उसकी जिंदगी से दूर चली जा। चली जाऊंगी, इस बात की बात मैं बिल्कुल नहीं था। ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। अनिका यहीं रहेगी। तू इस लड़की के लिए अपनी माँ की बात डाल रहा है? इस लड़की के लिए वो माँ जिसने 9 महीने तुझे अपने कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, कुछ दिनों का रिश्ता बरसों की ममता से बड़ा हो गया शिवाय। मेरा शिवाय, ये मेरा शिवाय। मेरा शिवाय कहते कहते मेरी जबान कभी थकती नहीं शिवाय, कभी भी नहीं। और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा शिवाय कब पराया हो गया। इतना कि मेरा राय नहीं। ऐसा मत कहिए, सच नहीं है। मैं और कुछ बोलने के लायक नहीं रही शिवाय। तू मेरा गुरूर था, तूने खुद मेरा गुरूर तोड़ दिया। खुद नहीं है, आप जानती हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आज मैं जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। आप हैं तो मैं। मत बोल, अच्छा नहीं लगता। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में तूने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी इस घर में असली जगह क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअली यही है, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि हम सब फिजिकली इमोशनली मेंटली ड्रेन हो चुके, एग्जॉस्ट हो चुके। हाँ मैं जानता हूँ आप ऐसे आपसे रिएक्ट कर रही हैं क्योंकि आप स्ट्रेस्ड आउट, और ये सारा स्ट्रेस बाहर आ रहा है। नहीं तो आप भी जानती हैं वो मेरे साथ जो हुआ ना उसमें अनिका की कोई गलती नहीं। हम सबको आराम की जरूरत है। वी नीड टू रेस्ट। ओके, और खास तौर से आप, मैं जानता हूँ जब से गोली लगी है ना एक मिनट नहीं सोई होंगी आप। नहीं सोए ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। चलो आने का, सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं और मेरे बेटे शिवाय को अनिका की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि शिवाय अनिका के बिना रह ही नहीं सकता। I know, तुम शिवाय को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो,
लेकिन पिंकी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि शिवाय अब बड़ा हो चुका है, वो शादीशुदा है, फॉर गॉड्स सेक, उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। अब पूरी जिंदगी तो अपने माँ के पल्लू से बन के रह तो नहीं सकता था। Seriously, मुझे तुम्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा है, but this is life. सच कहूं तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि शिवाय के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, nothing, zero. और शिवाय किसी और का हो चुका है, क्या करें? Sad. I feel sad for you. मदद में हने का, मैंने मदद मांगी नहीं, मांगी ना, मुझे नहीं चाहिए मदद। क्या कि मैंने सोचा, सॉरी, मेरी गलती, हुए तो वो होती है ना जो टूटे घर को छोड़ते, लेकिन यहां तो मेरी वजह से रिश्ते भी टूट रहे, घर भी टूट रहे। Will you just stop it? औरतों को हर बात का इशू क्यों बनाना होता है यार? क्या हुआ अनिका? तुम हार बहुत दर्द हो रहा है। स्टॉप इट, सॉरी सॉरी बोला, तुम बंद करो आम। ओके वो क्यों रही हो अनिका? मैं कहाँ रो रही? रो नहीं, खुशी के आंसू हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं रो रही। तो प्रॉब्लम मेरी आंखों में, मुझे दिख नहीं रहा। ये आंसू है ना, आंसू, ये बड़े बड़े आंसू मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपकी कंजी आके खराब हो गई होगी। होना बंद करो यार, तुम जानती हो ना मुझसे नहीं दिख रहा था जब रोती हूँ तो। जस्ट स्टॉप, अब कहा है प्रॉब्लम? क्या है तुम्हारे आने? मेरे पास रोने के लिए ना हजार रीजंस है। रो रहा हूं मैं रो रहा हूं, नहीं तुम सोच भी सकते हो मेरे लिए कितनी टफ सिचुएशन है। ये सोच सकती है, मेरी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट औरतों में से एक को चुनना है। आसान है ये? आसान तुम्हें आसान लगता है? हाँ, एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरी बी। दूसरी तरफ तुमसे बताया है ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कहा था आपने, जिम्मेदारी ना? हाँ, मेरी जिम्मेदारी हो ने कहा। जिम्मेदारी के लिए आपने गोली खा ली? क्योंकि शिवाय सिंह ओबेरॉय है, अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। सूप टाइम। भैया कैसे हो आप? अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ ओके, ठीक हूँ। अनिका तू ठीक है पुत्र? दादी मैं, दादी गोली शिवाय भैया को लगी थी। पता है चोट चाहे बिल्लू को लगी है पर दर्द अनिका को भी हो रहा है। है ना, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है, एक का दर्द दूसरे की आंखों से बहता है,
लोग सोचते हैं कि इश्क शादी से पहले होता है, शादी हुई और इश्क खत्म। अरे असली इश्क तो शादी के बाद शुरू होता है, इश्कबाजी। शादी से पहले तो बंदा अधूरा होता है। और शादी का फिनिश? चुप कर। ओ, तू क्या सोचता है इश्कबाजी के बारे में? किसी से दिल लगाने को खुद दिल राजी जरूर है, उम्र भर साथ रहने को इश्कबाजी जरूरी है। उम्र भर का साथ मतलब शादी, किसी से मिलना, प्यार करना, दोस्ती करनी, शादी करनी बहुत आसान है, मुश्किल होता है उस शादी को निभाना। रिश्ते की उम्र बंदे जितनी होती, बंदे के साथ ही रिश्ते खत्म हो जाते, पर शादी के बाद की इश्कबाजी वो रिश्ता है कि सांसें टूट जाती पर रिश्ता नहीं टूटता। पर शादी इस रिश्ते की मंजिल नहीं, ये तो इस सफर की सिर्फ शुरुआत है। शादी से पहले इश्क में आदमी गिरता है, he falls in love। शादी के बाद इश्क गिरे हुए आदमी को भी उठा देता। क्यों बिल्लू? शिवाय कहाँ खो गया? लगता है बिल्लू के ऊपर मेरी बातों का असर होने लगा है। इश्क इश्कबाजी ना सिर्फ सिर्फ बातें होती हैं। I don't believe in it। बिल्लू, एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ बातें होती हैं ना पुत्र, वहाँ इश्कबाजी नहीं होती, और जहाँ इश्कबाजी होती है वहाँ बातों की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात याद रखना, जिंदगी के सफर में बड़ी मुश्किलें आएंगी, पर सफर कितना भी मुश्किल अगर हम सफर साथ हो तो आसान हो जाता है। इसलिए एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। क्या हुआ? दादी वो सेंटी बातें कर रही है, हैंडल नहीं हो रहा मेरे से। यही सेंटी बातें तुम्हें भी अच्छी लगने लगेंगी जब तुझे किसी से इश्क हो जाएगा। शादी के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि आदमी किसे चुने, प्यार को या परिवार को, माँ को या बीवी को। एक बात याद रखना पुत्र, बेटे को नहीं भूलना चाहिए कि वो पति भी है, और पति को नहीं भूलना चाहिए कि वो बेटा भी। और तू भी याद रखना पुत्र, इश्कबाजी एक से होती है, रिश्ता पूरे घर से जुड़ता है। मुझे पता है तुम दोनों सब संभाल लोगे और सबसे बड़े इश्कबाज बनोगे। इश्कबाजी तो चलती रहेगी, बिल्लू और बिल्ली की तो चलती रहेगी। वो मैंने हिंदी की क्लास में पढ़ा था, मामा मामी, चाचा चाची, बिल्लू बिल्ली। भैया ये सब छोड़ो ना, इतने टाइम बाद ये मोमेंट आया, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हाँ ब्रोज मोमेंट ब्रो, सच में बहुत बहुत टाइम हो गया। ओह लेट्स गो। अब सॉरी सौम्या, तुम इस मोमेंट का पार्ट नहीं बन सकती। एक मिनट, क्यों? ये ओवरऑल ही नहीं है ना। रुद्र,
मैंने तो इसे बहन माना है, तो हुई ना ऑलमोस्ट ओवर है। सौम्या दिल बोले स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।